जहां तक मेरा ध्वनि विस्तारक उपकेंद्र माइक्रोफोन माइक यंत्र द्वारा आवाज जा रही वहां तक की भाई बंधु माता एवं बहनों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग यज्ञकर्ता श्री विनोद प्रसाद यादव के द्वार पर आवे, धर्म गाथा भक्ति को सुने और सुन करके पुण्य का भागी बने, क्योंकि ऐसा मौका मानव को बार बार नहीं मिलता है। बाबूजी कवि लिखे हैं, बारी मंथे घिरित होई बरु सिकता ते बरु तेले बिनु हरि भजन भवना तरी है यह सिद्धांत अपे एक भगवान के भक्ति भजन के बिना मानव कभी भवसागर से पार नहीं हो सकता है बाबूजी। इसीलिए हम और आप मानव योनि में जन्म लिए हैं, मानव योनि में आए हैं, 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि उत्तम योनि मानव को मिला है बाबूजी। इस योनि में आने के लिए देवता भी ललायित है, जो हम भी एक बार मानव योनि में जाकर के इस संसार में भ्रमण करते हैं। सज्जन वृंद माँ भन बाबू भैया सब जी, इसीलिए माता पिता गुरु का सेवा करना चाहिए, भगवान का भक्ति भजन करना चाहिए, जिससे मानव का कल्याण होता है, उद्धार होता है, मोक्ष मिलता है, स्वर्ग का प्राप्ति होता है, मानव भवसागर के नैया से पार होता है। बाबू आइए कुछ देर है आप सभी श्रोता भगवान का सेवा करने का मुझे मौका मिला है। आइए सज्जन वृंद, सबसे पहले एक छोटी सी माँ भगवती की वंदना से मैं श्री गणेश करता हूँ, उसके बाद कुछ देर धर्म गाथा भक्ति से मैं सेवा करने का मैं प्रयास करूंगा। उससे पहले एक बार आप लोग माँ भगवती बाबा धर्मराज का नाम का जोरदार जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा करके लगावे, जिससे गाने वालों का हौसला बढ़ा रहे और सुनने वालों का हौसला बढ़ा रहे। बोलो बोलो माता भगवती महारानी की, श्री दाता धर्मराज की, महारुद्र वज्रंग बली की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की। कथी के कंगही शीतल मा कथी लागल हे दा कथी के रात कंगही शीतल मा कथी लागल हे दा कथी बैसल हे गोसावनी लाल
जिंदगी में दांत लागली है आ कथी पर बैठ के महारानी यहाँ अपन बाल के झारे छे मैया मैया माता रानी भक्त के कैसे बा ओ भक्तिरा मावन बाबू भैया सवाइये पुरस्कार की ओर है सज्जन वृंद आई आप संतोष मुखिया आई आप संतोष मुखिया ये वर्तमान मुखिया जी वार्ड नंबर 3 है और उर्फ है मनपा भाई मनीष कुमार है और संजीवन सम्राट है ये सभी श्रद्धालु की ओर से बड़ी उदारी दिल से शारदा के साथ साथ शानदार हमारे मंडली के लिए 101 रुपए का आशीर्वाद भेजे हैं। गुरुजनों के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान श्रद्धालु की मनोकामना को पूर्ण करें। और आइए आप सज्जन वृंद आइए आप मनीष मुखिया बाबू संतोष मुखिया वर्तमान मुखिया आइए आप संतोष मुखिया श्रद्धालु की ओर से बड़ी उदारी दिल से शारदा के साथ शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद आए हैं। भगवान श्रद्धालु की मनोकामना को पूर्ण करें। माँ सरस्वती परिवार में बाल बच्ची को सदबुद्धि सद्ज्ञान दे। बोले बाबा भंडारी भंडार को भरे रखे। जय हो दानी महाराज की जय हो, आपकी समस्त परिवार की जय हो। ध्यान देंगे। हेलो, एक आवश्यक सूचना, गीत गावे वाली जतेक भी माता बहन सब छे उनका सबसे आग्रह है कि गिधारी के समय भ गए और गिधारी के लिए अपने सबके बजावा लिया तो अपने सबसे आग्रह है कि गिधारी में आवे जाइयो। गीत गावे वाली जतेक भी हमारे माता बहन सब छे उनका सबसे आग्रह है कि अपने सब गीत गावे के लिए गिधारी बह रहा लिया यज्ञ स्थल पर पधारियो आवियो।
सिया पर बैठ के अपना बाल के झाड़ी है। माँ शीतल जी कंघी से बाल के झाड़े रे, माँ शीतल के कंघी के दांत जे रहे टूट गए। माता रानी जाइए बकलिया के द्वार, बकलिया के द्वार पर जाकर माता रानी बकलिया के दुर्भाग दे रे। बकलिया के हमारा नकली कंघी बना के दली है, हमारे कंघी के दांत टूट गई है। माता रानी क्रोधित या बकलिया के दुर्भाग दे रे।
बोलो बोलो माता भगवती महारानी की जय। सज्जन वृंदाइए पुरस्कार की ओर आप हैं संजय मुखिया और आप हैं संतोष मुखिया, संतोष मुखिया और मनीष कुमार यादव और संजीवन सम्राट। आप हैं संतोष मुखिया और मनीष कुमार यादव और संजीवन सम्राट। ये तीनों श्रद्धालु के ओर से बड़ी उदारी दिल से शारदा के साथ शानदार 101 रुपए का पुरस्कार आए हैं। भगवान श्रद्धालु की मनोकामना को पूर्ण करें मां सरस्वती, परिवार में बाल बच्चे को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे। जय हो दादी महाराज की, जय हो आपके समस्त परिवार की। साहब के ओर से बड़ी उदारी दिल से शारदा के साथ शानदार 51 रुपए का पुरस्कार आए हैं। भगवान श्रद्धालु की मनोकामना को पूर्ण करें मां सरस्वती, परिवार में बाल बच्चे को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे। भोले बाबा भंडारी भंडार को भरे रखे। जय हो दानी महाराज की, जय हो आपके समस्त परिवार की। अब धर्म गाथा भक्ति प्रसंग की ओर। अब सज्जन वृंद हीरा मोती अबला के प्रसंग सुनाबै छौ। एना सब शांति के दान दा के भगवान के दरबार में बैसो। धर्म गाथा भक्ति प्रसंग सुनो, सुन के पुण्य के भागी बनो। चंपारण पूरा नगरी में माँ के गर्भ से अकलौती बेटी के जन्म भेलैया। चंपारणपुर नगरी में माँ के कोई से अकलौती बेटी के जन्म भेलैया। आयु काल अपना समाज में अगर कोई माय बहिन गर्भ धारण रही है या गर्भ अवस्था में रही छे, हुनकर माता पिता पहले से ही मन में सुंदर नाम सोच विचार के राखै है। माता पिता के मन में लालसा हुई जे हो
व्यास समान जब माँ के गर्भ में रहे उनकर पिताजी मन में सोचल कहे भगवान जो बेटा देते हम अपना मौन से सुंदर नाम हीरा राखब। माँ मन में सोचल कहे बेटा जब होते तो उनकर पिताजी हीरा नाम रखिए देते जी बेटा ने भगवान बेटी जो दे देते हम अपना मौन से सुंदर नाम मोती राखब। और आई आप जयशंकर प्रसाद यादव दरोगा साहब आई आप जयशंकर प्रसाद यादव दरोगा साहब महानुभाव गुरुजनों के ओर से आशीर्वाद स्वरूप है हमारे मंडली के लिए 101 रुपए का आशीर्वाद भेजे हैं। ऐसे दरोगा साहब के नाम पर एक बार जोरदार ताली हो। दरोगा साहब के ओर से 251 रुपए का आशीर्वाद आए हैं। गुरुजनों के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान श्रद्धालु की मनोकामना को पूर्ण करें माँ सरस्वती परिवार में बाल बच्चे को सदबुद्धि सदज्ञान दे बोले बाबा भंडारी भंडार को भरे रखे। जय हो दानी महाराज की जय हो। और आई आप मुकेश यादव की ओर से मुकेश यादव की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आए हैं। भगवान श्रद्धालु की मनोकामना को पूर्ण करें माँ सरस्वती परिवार में बाल बच्चे को सदबुद्धि सदज्ञान दे भोले बाबा भंडारी भंडार को भरे रखे। जय हो दानी महाराज की जय हो आपके समस्त परिवार की जय हो। सज्जन वृंद पिता मन में सोचल के हीरा माता मन में सोचल के मोती संजोग बस माँ के गर्भ से बेटी की जन्म ले पिता और माता दोनों के नाम जुट गए